So guys, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं iQOO के Z5 5G डिवाइस के अंदर आपने फोन के अंदर नोटिफिकेशन लाइट का एक्सेस कैसे कर सकती हैं। दैट मींस गाइस, कोई भी कॉल वगैरह आपके फोन पर आ रही है तो डिस्प्ले के बॉर्डर साइड में कलरफुल लाइट ब्लिंक करती है, इस सेटिंग को आप अपने फोन के अंदर एक्सेस आउट कर सकते हो। हालांकि ये जो सेटिंग्स है ये बहुत सारे फोनों के अंदर बाय डिफॉल्ट नहीं मिलती है, लेकिन अभी के जो जितने भी फोन आ रहे हैं ऑलमोस्ट सभी के फोनों के अंदर ये सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाती है। फिलहाल जो डेमो करते हैं आपको दिखाते हैं नोटिफिकेशन लाइट को एक्सेस कैसे करते हैं। गाइस, फोन के अंदर नोटिफिकेशन लाइट सेटिंग को एक्सेस करने के लिए हम ओपन करेंगे अपने फोन सेटिंग को। सेटिंग्स हमने ऑलरेडी ओपन करा हुआ है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना, एक सेटिंग्स मिलती है डायनेमिक इफेक्ट्स, जस्ट आप प्रेस करेंगे। सेकेंड वाला ऑप्शन मिलेगा एम्बिएंट लाइट इफेक्ट, एक बार आपने इसको प्रेस करना है। देन इस तरह से बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस आपको शो करेंगे। iQOO वाले फोनों के अंदर कुछ कलरफुल फीचर्स आपको मिलते हैं एंड ये दो पार्टों में डिवाइड है। कुछ एक्सपेंसिव फोनों में अलग कलर्स के आपको लाइक इफेक्ट्स मिल जाते हैं, कुछ में अलग मिल जाते हैं। जैसे कि मेरे केस में यहाँ पर प्रेस करना इनकमिंग कॉल्स का ऑप्शन होगा, अगर ये अनचेक है आप इसको इनेबल करेंगे। देन लाइटिंग इफेक्ट फॉर इनकमिंग कॉल्स का ऑप्शन है, जैसे आपने प्रेस करना। अभी मेरे फोन के अंदर करंट टाइम पर 3 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं जो 3 इफेक्ट्स हैं लाइटिंग के, तो ये उतने कलरफुल नहीं है, बट इसमें से हमें चूज करके लगाना होता है कि कौन सा लगाना है। बट बहुत सारे फोनों के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे कलर्स के होते हैं, ये उसमें रेड कलर का कॉम्बिनेशन होता है, मिक्सिंग कलर कॉम्बिनेशन होता है, ये लाइटिंग मिल जाती है। तो आपको जो भी मिलता है जस्ट इस तरह से प्रेस करेंगे। डेमो में आप देख सकते हो कि किस तरह से ये शो करेगा लाइट, इसी हिसाब से अप्लाई बटन आपको मिल जाता है। इस तरह से अप्लाई कर देंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा, जब भी कोई कॉल आएगी तो ये नोटिफिकेशन लाइट आपको डिस्प्ले के बॉर्डर साइड में दिखाई देगी, तो देखने में इंटरेस्टिंग लगती है। इवन अगर आप चाहें तो इससे ऐप्स की नोटिफिकेशन पर भी अलाउ कर सकते हो, जिसके लिए आपने नोटिफिकेशन ऐप्स पर जाना है। पहले तो इस सेक्शन को ऑन कर लेना नोटिफिकेशन वाले को, इसके बाद यहाँ नोटिफिकेशन ऐप्स पर जाएंगे, एक ही सिंगल प्रेस के अंदर आप सभी को डिसेबल कर सकते हैं, एक ही सिंगल के प्रेस में सभी ऐप्स पर इसको एनेबल कर सकते हैं। और इसका भी इफेक्ट मिलता है, इसके लिए इफेक्ट्स आपको फोर इफेक्ट्स मिल जाते हैं समथिंग, तो इनमें से भी आप चूज आउट कर सकते हो। कोई नोटिफिकेशन आएगा तब भी ये लाइट आपको दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप अपने फोन के अंदर नोटिफिकेशन लाइट सेटिंग का एक्सेस कर सकते हो। आई थिंक गाइस समझोगे किस तरह से करना था, एंड इसके रिगार्डिंग कोई और कंफ्यूजिंग होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा।